नौ वर्ष के पहले दिन नागरिकों ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। नागरिकों ने गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना किया कि नौ वर्ष सभी के जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली लाए। उन्होंने गुरु गोरखनाथ से मन्नत मांगी कि देश में आने वाले कोरोना महामारी का खतरा टल जाए। श्रद्धालुओं ने मंदिर में गुरु गोरखनाथ को प्रसाद चढ़ाकर पूजा अर्चना की और मेले में जाकर लुत्फ उठाया। मेले में कई तरह के अनेकों झूले लगे हुए थे, जहाँ नागरिकों ने एक के बाद एक खुले में बैठकर आनंद लिया। ब्रेक डांस, मैजिक डांस, बड़ा झूला, मौत का कुआं, ड्रैगन झूला, रेंजर झूले का आनंद लिया और वहीं फ़ोटो स्टूडियो में जाकर फ़ोटो भी खिंचवाया। गोरखनाथ मेले के प्रसिद्ध प्रसाद खाजा की खरीदारी किया। लोग अपने पूरे परिवार के साथ मेला घूमने आए थे, जहां हज़ारों की संख्या में लोग गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे। वहीं पुलिस की भारी चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिली, जहां भारी पुलिस बल मंदिर गेट से लगाए और मेले में तैनात थे, जो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए थे। वहीं पुलिस के आला अधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा ले रहे थे। इस संबंध में नागरिकों ने बताया कि गोरखनाथ मंदिर में हर साल हम लोग आते हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा रहता है। हज़ारों की संख्या में लोगों की भीड़ रहती है और यहाँ मेले का भी खूब आनंद लिया जाता है। तमाम प्रकार के झूले और सुंदर सुंदर आकर्षक चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब तो यहाँ की व्यवस्था और भी सुदृढ़ हो गई है। हमने पूरे परिवार के साथ बोटिंग किया, जो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने कहा कि योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से गोरखनाथ मंदिर का कायाकल्प हो गया है और काफ़ी कुछ बदल गया है। चीज़ें काफ़ी सुचारू हो गई हैं और काफ़ी अच्छी हो गई हैं। यहाँ आने पर बहुत अच्छा लगता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए मेले में आए श्रद्धालुओं नागरिकों ने कहा, देखो इससे लाइन बढ़ते जाएगा भाई। बहुत अभी घुमा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, ठीक है। चाहे आधी चाहे तूफान, मम्मी कहाँ गई?
120 का 6 रूम। हाँ देख लो, रवि कुमार गुप्ता, बहुत अच्छा लगा और मैं हर साल आता हूँ नववर्ष पे दर्शन करने के लिए गोरखनाथ मंदिर में, और बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कितने की संख्या में श्रद्धालु? हजारों की संख्या में, कई हजारों मतलब की संख्या में श्रद्धालु जो दर्शन करने आ रहे हैं बाबा का गोरखनाथ मंदिर में। मेरा नाम विनय कुमार श्रीवास्तव है। सबसे पहले तो आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और नए साल में चूंकि हम सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं, बच्चों की जिद थी कि थोड़ा घूमने चलिए, तो मैं गोरखनाथ मंदिर आया, और जब से ये योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से इसका मंदिर का कायाकल्प हो गया है, और ये जो बोटिंग वगैरह की व्यवस्था है बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, और झूला वगैरह यहाँ परमानेंट लगा रहता है, इससे बच्चों को पूरा एंजॉय मिलता है, और नए वर्ष में ये सब घूमने की अच्छी जगह है। यहाँ का रामगढ़ ताल का जो वहाँ नौका विहार है वहाँ का भी अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है, हमारा प्लान वहाँ जाने का भी है। यहाँ आप मेले में आए हैं, मेला कैसा लगा? मेला बहुत अच्छा है, अभी तो हम तुरंत पहुँचे हैं और बोटिंग किए हैं, बोटिंग के बाद हम अभी झूले पे चले आए हैं बच्चों को लेके, बच्चे झूले बैठे हुए हैं, और हम अभी मेला पूरा घूम नहीं पाए हैं, मेला पूरा घूम करके तब उसका आनंद लेते हैं। हर वर्ष की तरह की सुविधा नया लगा आपको? हर वर्ष कुछ ना कुछ नया होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से मंदिर में व्यवस्थाएं अच्छी हो गई हैं। हम आज के 10 साल पहले भी आते थे लेकिन तब व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी, आज योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के कारण यहाँ गोरखनाथ मंदिर जो है उसका जीर्णोद्धार हुआ है, और उसका
विस्तारीकरण हुआ है, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, गाड़ी की पार्किंग वगैरह की भी अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। मेरा नाम राजीव सिंह है, आज नया साल है और हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं। हम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में सर्विस करते हैं। बेसिकली मैं मिर्जापुर का रहने वाला हूँ और जो मेरी टीम है बनारस और लखनऊ और प्रतापगढ़ रहने वाले हैं। तो आज हम लोग गुरुनाथ मंदिर घूमने आए हैं जो कि बहुत अच्छा दिव्य स्थान है और बहुत ही प्राचीन इतिहास है। यहाँ पे बहुत कुछ हम लोगों को देखने के लिए मिला और भीड़ काफ़ी है। भीड़ को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट हुआ। हम लोग समय से अपना दर्शन किए और मेला भी हम लोग देखे जो काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा है, ढंग से चल रहा है, तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छा। जिसका कोई हम मतलब ये नहीं कह सकते कि हम बहुत बड़ा परेशान हो रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा जितना कहे उतना कम है मंदिर के लिए। बहुत बड़ा नव वर्ष के उपलक्ष में जनता को यही कहेंगे, सब लोग भाईचारे की भावना से रहें और सभी लोग अपने काम में व्यस्त रहें, अपने परिवार में खुशी से बिताएं और साल अच्छे से बीते और अच्छे से जो जिस नौकरी और जिस व्यापार में जिस जो हम धंधा कर रहे हैं उसमें हमको बढ़ोतरी मिले। राजवीर सिंह, ये चूँकि कायदे से आपने नव वर्ष की बात की तो ये नव वर्ष तो हमारा है नहीं, ये क्रिश्चियन समुदाय से संबद्ध ईसवी सन से कहते हैं, लेकिन चूंकि संसार की रवायत है और कैलेंडर नव वर्ष के नाते हम लोग इसको मनाते हैं। और हमारा नया साल तो मार्च के बाद शुरू होगा, मार्च से शुरू होगा या मार्च के बाद शुरू होगा, लेकिन ठीक है जो सिस्टम चला रहा है उस सिस्टम को फॉलो करते हुए हम लोग आते हैं, गुरु गोरक्षनाथ जी का आशीर्वचन लेते हैं। संयोग से कल हमारे गुरुदेव भी यहाँ मौजूद हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका आशीर्वचन सुबह भी मिला है। अभी देखते हैं, प्रयास करते हैं, अगर अभी मिल जाएगा तो हमारे लिए इससे बड़ी अनुभूति साल के पहले दिन और कोई नहीं।